बिजलियां बरसे हुए बादल में भी खाबीदा हैं। सहरा क्या है? गुलिस्तान है। आहू क्या है? हिरन है। पोशीदा क्या है? छुपे हुए। ठीक है, जो बादल बरस चुके हैं उसमें बिजलियां जो है वो खाबीदा हैं, छुपे हुए हैं। ठीक है, वक्त देखते हैं, मैं आपको मुख्तसर बताती चलूँ। वो कहते हैं कि उम्मत मुस्लिमा के रेगिस्तान में बहुत से लोग छुपे हैं। उम्मत का बादल जो आधी दुनिया पर बरस चुका, उसमें ऐसी बिजलियाँ छुपी हुई हैं जो इसे दोबारा बरसाएगी। कहते हैं सपरा यह है कि कुछ मुजाहिदीन जो है वो फातिमा का सही जज्बा रखते हैं और वो सरदर हैं, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें छुपी हुई हैं और वो मंजर यहाँ पर आने को तैयार है। तो श्री की तरफ आ जाए तो श्री क्या है? हालो फरदा की तकीब शायर इकबाल हमारे लिखी शायर। हाल क्या है? मौजूदा दौर। फरदा क्या है? आने वाला वक्त। नकीब क्या है? जो नुमाइंदगी कर रहा है। कौन नुमाइंदगी कर रहा है? इकबाल नुमाइंदगी कर रहा है। इकबाल ने क्या किया? इकबाल ने यही किया कि अपनी शायरी से काफी गफलत का शिकार, यानी कि सोई हुई कौम जो कि शोर फिर वक्त नहीं रखती थी, उसको बेदार करने में अहम किरदार अदा किया। किस जरिए से किया? अपनी शायरी से किया। फिर वही बात आ जाती है कि देखते हुए ऐसे मजीद खाबीदा और पोशीदा मुजाहिदीन जो उन्होंने नवीद दी है, वो कहते हैं कि अगरचे कौमी चमन जो है वो बेआबो गया हो चुका है, यानी कि वही है ना, कौम पे जवाल छाया हुआ था। बेआबो गया से मुराद होती है बगैर पानी के, बगैर घास के, यानी एक सहरा की सूरत है। बात मुराद ये है कि कौम जो है वो खजा रसीदा चमन का नक्शा जो है वो पेश कर रही है, लेकिन फिर वो उसी ही शेप में मायूसी से निकाल रहे हैं, खुशी की नवीद दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कहते ये हैं कि इसमें भी कौम में बहुत से हिरन ऐसे छुपे हुए हैं, अगरचे कौमी बादल बरस बरस कर मजीद बरसने की ताकत से आगे दिखाई देता है, लेकिन क्या है, इस बरसे हुए बादल में बहुत सी बिजलियाँ छुपी हुई हैं जो जब कड़केगी तो क्या होगा, इस बादल को फिर से मूसलाधार बारिश में बदल देगी। मुराद ये इकबाल की ने साफ कराया है कि ऐसे कई और मुजाहिदीन मिल्लत भी अभी पसे पर्दा मौजूद है जो इस जवान और सीधा उम्र के इकबाल का बाइस बनेंगे। फिर वही आपने बता दिया कि किस तरह तालिबानी फौजों ने त्रावनस पर हमला किया था, मकामी कबाई ने जहाज मुनजम किया और मुजाहिदीन में सरदार अब्दुल्ला था, उनकी 10 साल बेटी फातिमा थी और उसने जिद करके बाप से मैदान जहाज में जाने की इजाज़त दी और बाप ने उसको फरीजा जो सौंपा था वो क्या था कि वो मुश्कीजे में पानी भर भर कर मुजाहिदीन को पिलाती थी और इसी फर्ज की अदायगी के दौरान में क्या हुआ, वो शहीद हो गई। ठीक है, वो कहते हैं कि पूरे कौमी उफक पर खजा छाई हुई है, लेकिन चंद कमियाँ भी मौजूद हैं जो क्या करेंगी, इस खजा को बहार में बदल सकती हैं। जब वो ये मौजूद हैं जो चटक कर इस खजा रसीदा चमन को रंगों मुँह से भर दे, कौम को मायूसी से निकाल रहे हैं। यहाँ ये शेर जो है वो बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या है कि छुपे संग्रेजों में गोहर भी है कुछ, मिले रेत में रेजे जर भी।